उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी बातों के कहने के कारण चर्चा में रहते हैं। कभी वो सनातन का विरोध करते हैं तो कभी हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाते हैं। इस पर बीजेपी के नेता कुमार अशोक पांडे ने कहा कि ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं है बल्कि अखिलेश यादव की सोच है और जैसा अखिलेश यादव सोचते हैं वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं। सर, अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर जिस तरह से विवाद पैदा करते हैं या जानबूझकर बोलते हैं, फिर उन्होंने एक विवादित बयान दिया, उस पर क्या कहना है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक मोहरे हैं और उनको एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, वो है अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य में इतना भी साहस नहीं है। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो सबसे ज़्यादा जय श्री राम का नारा ऊंची आवाज़ में लगाते हुए आप लोगों ने देखा होगा, और आज अखिलेश यादव के पपेट है, अखिलेश यादव के चलने कंधों पर चलने वाले हैं, तो उसमें मेन जो है वो अखिलेश यादव है। जो अखिलेश यादव चाह रहे हैं वह सनातन का अपमान कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से मानता हूँ अगर अखिलेश यादव ये नाटक करते हैं कि वह इनको रोक रहे हैं तो निकाल के पार्टी से बाहर करें। मैं इस बात को दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से कारसेवकों पर गोली चलवाई थी, लोगों को मारा था, प्रताड़ित किया था, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने इस पूरे उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तानों को जीवित करने का काम किया था, आज उसी राह पर स्वामी प्रसाद मौर्य चल रहे हैं और वह जितना सनातन का विरोध कर रहे हैं उतना सनातन और दृढ़ होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों की ताबूत में आखिरी कीर साबित होगा।